हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू कसाना और हम आज परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी एक डिब्बे में सीट हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 71 सहित 3/7% भरा है। बताओ ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी? यदि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। एक सिंपल सी बात तो यह है कि 25 यात्रियों का अर्थ है 71 से ही 3/7%। फ्रैक्शन से बड़े इजीली ये सवाल हो जाएगा। अगर आप सीट को मान लेते हैं कि सीट एस है दोनों, ठीक है, तो हम सीट का जो टोटल सीट है उनका, उन्हें यदि एस मान लें तो उनका 71 से ही 3/7% जो है वो 25 दिया हुआ है। ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो हम इसका फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो टोटल सीट का जो 71 से ही 3/7% की फ्रैक्शन बनती है वो होती है आपकी 5/7। आप बना करके देख लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन सीख लेंगे। 5/7 यदि अगर 25 है तो टोटल सीट जो आ जाएंगी आपकी वो 35 आ जाएंगी। ठीक है, टोटल सीट अगर आपकी 35 आ जाती हैं तो डिब्बे भी कितने हुए? कहा था जितनी सीटें हैं उतनी डिब्बे हैं, तो डिब्बे भी आपके 35 ही हुए। ठीक है जी, अब 35 डिब्बे 35 सीटें, मैंने आपको बताया था जिनके बाद में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना आसान हो गया। तो कुल सीटें जो होगी पूरी आपकी ट्रेन में, कुल सीटें हो गई आपकी 35 35 25 12 25। ठीक है, 3 चौक 12 12 25, ये टोटल सीटें हो गई आपकी। ठीक है, जबकि उसने कहा कि 12 25 का, वो कहता है कि 20% हमेशा खाली रहता है, यानी कि आपको इसका 80% निकाल देना है बस। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल है, आप इसको 4 कर लेंगे, इसको 5 कर लेंगे, 5 से 80 डिवाइड कर लेंगे, 5 दुनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 245 चौका होते हैं आपके 8 और 9 दुनी 18, यानी कि 980। ठीक है जी, तो कुल 980 सीटें हैं, मतलब सॉरी यात्रियों को ले जाएगी ट्रेन। उसने कहा था कितने यात्रियों को ले जाएगी, ठीक है, तो 980 यात्रियों को ले जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक आसान सा सवाल लेते हैं। यदि किरण की आय रामा से 16 से ही 2/3% कम है तो रामा की आय किरण से कितने प्रतिशत ज्यादा है? एक किरण है, एक रामा है, उनमें संबंध दिया है 16 से ही 2/3% का। ठीक है, जो किरण की आय है रामा से 16 से ही 2/3% कम है। अगर हम देखें कि 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 5/6। ठीक है, अब रामा की आय 6 हो गई और किरण की आय 5 हो गई, तो इसमें अपने आप ही ये सीधा संबंध बन जाएगा कि रामा की आय से किरण की आय 16 से ही 2/3% कम है। तो अगर हम अब इस कंपैरिजन को देखें कि रामा की एक ज्यादा है किरण से, किरण के 5 से, यानी कि एक ज्यादा है 5 पे, तो कितने परसेंट? 5 दुनी 10, 20%। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो मैं एक बार बता देता हूं कि 6 पे 1 कम है। ठीक है, 6 पे 1 कम है तो गुना 100, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3% आ जाएगा निकाल कर देखिए। दोनों परसेंटेज बता दिया आपको। अगर आप इससे कंपेरिजन करेंगे तो ये अपॉन में आएगा, इसके साथ कंपेरिजन में रखेंगे तो ये दोनों में डिफरेंस एक का ही है, ये एक कम है इससे, ये एक ज्यादा है इससे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी।
देखिए जी, अगला सवाल देखिए। किसी स्कूल में 60% छात्र हैं, 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, जिसका मतलब सीधा सीधा 40% है, 40% लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ, ठीक है? आप प्रतिशत के हिसाब से निकाल सकते हैं कि किसी संख्या का 40% ये है, फिर 1% निकल आएगा उसका 60% निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन यदि आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहें तो भी बड़ी आसान सी बात है कि 60% की फ्रैक्शन आपकी जो बनती है वो 3/5 बनती है। 5 टोटल संख्या हो गई और 3 आपके हो गए लड़के, 3 लड़के। तो जबकि 2 यूनिट जो हुई वो लड़कियां हुई, 2 यूनिट दिए हुए 972, 1 यूनिट आपका हो गया आप देखें तो 2 × 2 = 2, 3 = 6 और सॉरी 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 गलत हो गया था, 1 सेकेंड, यस जी, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16 और 2 × 6 = 12, 486। और हमें निकालना है 3 यूनिट लड़के, यानी कि 6 × 3 = 18, 8 × 3 = 24 और 1 = 25 और 4 × 3 = 12 = 14, 1458 आपके लड़के हो गए, ठीक है जी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए जी, सवाल कहता है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं, 5% ज्ञात करो। तो देखिए, कहता है कि 25% ला करके तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कम रह जाते हैं उसके, और यदि 55% ले आता है तब उसके 40% ज्यादा, 55% ज्यादा बन जाते हैं, 240 नंबर ज्यादा हो जाते हैं उसके 55% में। अब वो कहता है कि 5% ज्ञात करो, कितने में पास हो जाता है वो। तो देखिए, आप वैसे जोड़ घटाव वाला भी कर सकते हैं कि एक्स का 25% प्लस 210 बराबर 55%, एक्स का 55% माइनस 240, उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 55 और 25 का डिफरेंस जो है वो 30% है, हमने मान लिया एक्स का टोटल जो अंक है वो एक्स है, तो 30% का मतलब हो गया x/100, x × 30/100, और इन दोनों का जो सम बनेगा वो बनेगा 450 सम, यानी प्लस कर देंगे इन्हें क्योंकि इतने कम रह जाते हैं ये ज्यादा हो जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके 450 आता है, ठीक है। तो एक्स जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 450 × 100/3, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 15 बार कैंसिल, 1500 आ गया आपका टोटल अंक, कुल अंक चाहिए हैं उसके 1500। कहता 25% ला करके वो फेल हो जाता है 210 से, तो या 55% ला करके 240 ज्यादा आ जाते हैं, कोई सा भी एक निकाल करके या तो ये वाले जोड़ दो या ये वाले माइनस कर दो, 55% निकालोगे तो ये माइनस कर दो, 25% निकालोगे तो ये जोड़ दो, ठीक है, और वो उतने अंक आएंगे तो उसका परसेंट निकालो। कैसे? कहता कि अगर हम कहें कि 1500 का 25% तो 750 का आधा, यानी कि 300, सॉरी 1500 का 25% हो जाएगा जी आपका 25 × 100, 4 से ऐसे करेंगे तो 4 × 3 = 12, ठीक है, 12 30, 4 × 7 = 28, 20 × 4 = 25, जी हाँ 375 नंबर, ठीक है, 375 नंबर। प्लस कितने चाहिए? 210 और चाहिए, ठीक है जी, 375 + 210 कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा जी 5 और ये 8 और ये 5, 585 नंबर, 585 नंबर चाहिए 1500 में से पास होने के लिए, कितने परसेंट बनता है तो देख लीजिए, 585 कितने परसेंट बनता है, 585 मल्टीप्लाई आपका 100 और टोटल नंबर आपके हैं 1500, 1500 से 2 जीरो से कैंसिल, 15 से 15 = 45, 45 और आपका 5 और 8 = 13, 135, 15 × 135 = 39%, ठीक है साहब, 39% जो है उतने पे पास है, ठीक है। अगर अंक पूछता है कितने अंकों पर पास है तो 585 अंकों पर पास है, यदि 5% पूछा हुआ है जैसे सवाल में कि 5% याद करो तो वो 39% है, ठीक है। अब यहां से सीधा सीधा ऐसा लगा सकते हो आप कि 14% बराबर ये है, ठीक है, समझ में आया होगा।
चलिए जी। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए जी, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं, 5% ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपके एक सवाल लिया है, सेम सवाल है पहले जैसा। तो देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो पॉज करके कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 36% अंक ला करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और 48% अंक ला करके 64% अंक ज्यादा आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इनका दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है। 12% बन रहा है इसका डिफरेंस, और इन दोनों का सम कितना बन रहा है, तो इन दोनों का सम बन रहा है जी आपका 96। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी संख्या के 12% जो है वो कितना है, 96 है। तो यानी कि वो संख्या कितनी हुई, यानी कि 96 × 100/12, 12×96 800 टोटल अंक हो गए जी। ठीक है जी, 5% ज्ञात करना है। अभी हमने बताया था 800 का 36% निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो 800 का 36% और प्लस 32 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी आपका, ये देखिए जी, 8×6 48 और 8×3 24 = 28 प्लस 32, यानी कि आपका बनता है जी 0 12 320। ठीक है जी, 320 अंकों पे कितना क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है, लेकिन प्रतिशत कितना बनता है 320 अंकों पे, यानी कि 320 × 100/800, सीधी सी बात है 8×32 = 40%। ठीक है जी, 40% पे पास है। ठीक है, ये 5% आपका, सिंपल सा सवाल था जी। अगर आप समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए जी सवाल, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, बिल्ली एवं कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। कुल जानवर 45 हैं तथा कुल बिस्किट 355 खाए जाते हैं। कुत्ते एवं बिल्ली की संख्या अलग अलग बताइए। देखिए जी, ऐसे सवालों को करने के सबके अपने अपने मेथड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मेथड से इस तरह के सवाल निकाले जा सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसे समझा रहा हूं। मान लीजिए कि कुत्ते या बिल्ली किन्हीं एक की संख्या, मान ली आपने एक्स है, मान लो आपने बिल्लियों की संख्या एक्स मान ली, तब 7 बिस्किट के हिसाब से जो बिल्लियां हैं वो कितने बिस्किट खा जाएंगी, 7x। ठीक है जी, जबकि कुत्ते जो हैं वो कितने बिस्किट खाते हैं। अब देखो, टोटल जानवर हमने 45 माने थे, तो उनमें से हमने बिल्लियां अगर माइनस कर दें तो कुत्ते बचेंगे, तो ये कुत्ते की संख्या होगी और टोटल जो बिस्किट खाए जाते हैं वो 355 खाए जाते हैं। तो अगर हम कहेंगे 7x प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 45 नियमा जो होते हैं 405 होते हैं जी, माइनस 9x हो गया बराबर आपका 355 हो गया। ये 7x में से माइनस के 9x जाएंगे तो माइनस 2x बचेगा, 355 में से 405 माइनस करेंगे तो माइनस के 50 बचेगा। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका x बराबर आपका आ गया 25, जो कि हमने माने थे बिल्लियां। टोटल जो जानवर थे वो 45 थे, उनमें से अगर हम 25 निकाल देते हैं तो आपके 20 जो है वो कुत्ते बचते हैं। ठीक है जी, 20 कुत्ते और 25 बिल्ली, देख सकते हैं हम लोग आकर के हिसाब बिस्किट्स का। और जो भी मेथड आपको अच्छा लगे या आपको इससे कोई बेहतर शॉर्ट ट्रिक मेथड आता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। देखिए जी, अगला सवाल देखिए, बस ये आखिरी सवाल है।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जगह पर कुछ चूहे तथा कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं, यदि पैर गिने जाएं तो 820 हैं, कबूतर कितने हैं? यानी कि कबूतर और चूहों की संख्या अलग अलग निकालनी है आपको। कुल जानवर जो दिए गए हैं वो 280 हैं, सर क्योंकि सबका एक एक होता है, चूहे का भी और कबूतर का भी, तो कुल जानवर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए जो चूहे हैं वो एक्स हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, तो 4x और प्लस हो जाएगा आपका कि भाई जो 280 माइनस एक्स जो भी बचेगा उसके दो पैर हैं कबूतर के, बराबर आपका हो गया 820 के, ठीक है जी। तो आपका सिंपल 4x प्लस ये 560 आ जाएगा माइनस 2x बराबर 820, अगर हम करते हैं तो 2x बराबर आपका आ जाएगा 0, 12 में से 6 गए 6 और 8 में से 7 में से 5 गए 2, यानी कि x बराबर आपका आ गया 130। 130 आपके क्या आ गए? चार पैर वाले यानी चूहे, ठीक है जी। हमें निकालने कबूतर थे तो आप सीधा 280 माइनस 130 यानी कि 150, ये आपके आपके कबूतर, ठीक है जी। बड़े आसान सा सवाल है, आपको समझ में आया हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।